हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। फाल्गुन मास, शनिवार अमावस्या, 12 या 13 मार्च, जाने सही तारीख भूलकर भी ना करें आज एक काम। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखने की भी परंपरा है। शास्त्रों में यह तिथि पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि के नाम से प्रचलित है। साल 2021 फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनिश्चरी अमावस्या होगी। आज हम आपको साल 2021 फाल्गुन शनिश्चरी अमावस्या की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के कुछ विशेष नियमों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुन अमावस्या शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में फाल्गुन अमावस्या 13 मार्च शनिवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:04 पर। वही अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 मार्च शनिवार दोपहर 3:52 पर। फाल्गुन अमावस्या पूजा विधि। अमावस्या तिथि पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि है। अगर यह तिथि शनिवार को पड़े तो और भी फलदायी होती है। शनि अमावस्या पर विशेष पूजा विधि से शनि कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इस दिन पितरों की शांति के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड या फिर घर पर ही गंगाजल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ दें और पितरों की शांति के लिए दान धर्म के कार्य करें। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दिया जलाकर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शनि चालीसा, शनि मंत्रों का जाप करें। फाल्गुन अमावस्या व्रत नियम। यदि संभव हो तो इस दिन प्रातःकाल नदी, सरोवर या फिर पवित्र कुंड में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का संकल्प जरूर लें। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल आदि चीजों का दान जरूर करें। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से सात्विकता का ख्याल रखें। इस दिन घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि अमावस्या दान व तर्पण का दिन होता है। इस दिन किसी भी बड़े बूढ़े का अपमान न करें, क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या है। इसीलिए इस दिन घर में लोहे या लोहे से बनी हुई चीजें नहीं लानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।